अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अरहम हुसैन। आपका? मोहम्मद हसन यूसुफ। हसन क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। और आप? मैं भी सीए कर रहा हूँ। दोनों ही सीए कर रहे हैं। लड़के मैंने देखा बड़े पढ़ाकू जी, अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं ना, इसलिए अच्छी डिसीजन ले कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। लड़के अकलमंद होते हैं, लड़कियां बेवकूफ होती हैं। बिल्कुल बात में बिल्कुल शक शक क्या मतलब? आपने मीम नहीं देखी वो चाय वाली? वुमन वुमन बाज नहीं आ सकते लड़के जो हैं। चले मैं इस वक्त अकेली हूँ तो आपका पलड़ा भारी है, वरना मैं मेरे साथ कोई होता तो हम मुकाबला करते। नहीं नहीं रहने दे, कोई बात नहीं, छोड़े उनको। हमारा सवाल है आज का, मैं भी ज़रा आप लोगों का देख लेती हूँ कॉमन सेंस कैसी है। मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके काटने पर हम गाना बजाते हैं? केक। सही जवाब। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि रमज़ान कैसा गुजारा है दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजार रहा है। रोज़े रख रहे हैं? बिल्कुल। कहाँ पे? कहाँ पे रख रहे हैं? जहाँ पे रखते हैं नियत से। नियत से रख रहे हैं तो आपने चोरी कर लिया। अच्छा ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका अच्छा है। आप मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी आदत है जो कि आप रमज़ान में सोचते हैं कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे और ख़त्म कर लेंगे? खुद की एक आदत होती है, जैसे हम गुस्सा बड़ा करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है झूठ बड़ा बोलते हैं, तो आप दोनों में क्या ऐसी आदत है जो आप चाहते हैं मैं ख़त्म कर दूँगी? मैंने तो खाना कंट्रोल किया है कि मतलब आप जो हर वक्त खाते रहते हैं एक्सेसिव जो आपकी कैलोरीज आप इनटेक करते हैं वो कंट्रोल हो जाए, ताकि जो है आप फिजिकली फिट रहें। तो मैंने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है आप में क्या है? मेरे ख्याल से मैं गेम कम करता था, अब मैं रमज़ान की वजह से टाइम भी होता है और बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है उससे। मैंने देखा इफ्तार के बाद जो है वो लड़के निकल जाते हैं बाहर स्ट्रीट क्रिकेट्स खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और या फिर कोई बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तो आपकी एनर्जी लो नहीं होती है? नहीं, एनर्जी क्यों लो नहीं है, कोई एनर्जी एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसी रखते हैं, हेल्दी डाइट रखते हैं ताकि जो है न्यूट्रिशन की इसलिए होते हैं कि आपकी एनर्जी ज़्यादा हो, कम करने के लिए नहीं तो होते। ठीक है, चले मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज व्हाट्सएप कर दूंगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को रमज़ान के हवाले से? कर लें, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जितने भी लोग हमें मिलते हैं, हम देख रहे हैं लोगों का एक तरफ जहां गिला होता है कि महंगाई बहुत है महंगाई बहुत है, उधर ही मैं देख रही हूँ ख्वातीन और मर्दों को, वो ढेर सारी शॉपिंग करवा रहे हैं अपनी बेगमात को भी, खुद भी कर रहे हैं, तो कहाँ है महंगाई? मर्द तो नहीं, हमारे पास बेगमात नहीं है तो ये एलिमेंट हम पे नहीं आ सकता, लेकिन हम वैसे जो है देखें वो अब दौर ही ऐसा है, हर चीज़ ही महंगी होगी, तो अब आप ये तो नहीं हर वक्त कर सकते कि बहुत महंगाई होगी बहुत महंगाई, हर चीज़ ही महंगी होगी, सबके लिए महंगाई है, तो आप कब तक मात के नाम पे आप शर्माए बढ़ाए? मुझे लगता है ख्वाहिश रखते हैं आप। ख्वाहिश तो सबकी होती है, शौक रखते हैं। बिल्कुल, शौक भी और इजाज़त भी है चार चार की। अच्छा, तो आप चार करने वाले हैं शादी? इंशाल्लाह ताला चार शादियां कर लेंगे, इंसाफ कर लेंगे चारों में लेंगे, इसको एक नहीं मिलनी। वो सही कह रहे हैं, एक नहीं मिल रही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर। आपको पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है कि जो आपने अभी बात की है महंगाई के लिहाज से, अभी अब रमज़ान में होना चाहिए कि चीज़ें सस्ती हो, यहाँ पाकिस्तान में ये हो रहा है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो यही है कि भाई अब जो आपका मुनाफा है उसके हिसाब से आप मतलब बेचें चीज़ें, ज़्यादा मुनाफा खोरी ना करें, बस यही पैगाम है। थैंक यू वेरी मच, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आप दोनों को। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, बड़ी अच्छी उन्होंने जो है वो बात की है कि महंगाई तो हो रही है लेकिन बस जो है वो म्याना रवि से चलें, हर चीज़ को बैलेंस करके चलें।